और अब बात लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में भी आने वाले कुछ दिन पूरी तरीके से गर्म रहेंगे और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। और इससे पहले पलामू की बात करें तो डाल्टनगंज जो है वो सबसे गर्म शहर रहा है। डाल्टनगंज का तापमान पूरे झारखंड में सबसे अधिक रहा है और आने वाले कुछ दिनों में भी यही तापमान बने रहने की संभावना है। आने वाले कुछ दिन हीट वेव की चपेट में हो सकते हैं और इन तमाम जिलों में एडवाइजरी मौसम विभाग ने जारी की है कि इन तमाम जिलों में रहने वाले जो लोग हैं वो बेहद सतर्क और सावधान रहें। अगर बहुत जरूरत हो तभी आप इस भीषण और चिलचिलाती धूप में अपने घरों से बाहर निकलें और कोशिश करें कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें ताकि आप इस हीट वेव का सामना कर सकें, इस हीट वेव के साथ आप फाइट कर सकें। तो झारखंड के मौसम की हम बात कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन अभी लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। मॉनसून की बात करें तो मॉनसून जून के तीसरे सप्ताह के आसपास झारखंड में पहुंचने की संभावना है। और पूरी जानकारी के साथ सौरभ भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, झारखंड में मौसम की बात करें तो पलामू में सबसे अधिक गर्मी पड़ रही है, डाल्टनगंज का तापमान सबसे अधिक रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? देखिए, झारखंड की यदि बात की जाए तो झारखंड में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। पलामू, गढ़वा और आसपास के इलाकों को छोड़कर राज्य के कुछ स्थानों के मौसम में बदलाव होगा। तेज हवा के साथ बारिश होने की भी आसार है। जी इसके साथ ही यदि मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से बोला गया है कि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक अभिषेक आनंद है, उन्होंने कहा कि राज्य में अगले 4 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस क्रम में पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों को छोड़कर रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में मौसम बदलाव और बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल सौरभ, बारिश की संभावना है और आपने जैसा कि बताया कि अभी आने वाले जो 4 दिन हैं वो भीषण गर्मी से लोगों को त्रस्त रखेगी। इन 4 दिनों में लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा सौरभ, मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने कुछ जानकारी दी है क्या? मॉनसून में अभी देरी मॉनसून है जो अभी? दस्तक देगी राज्य में वो 15 तारीख के बाद ही शायद मॉनसून जी झारखंड पहुंचने वाली है। तो अभी फिलहाल जो है गर्मी से राहत मिलना असंभव दिख रहा है। जी मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और यदि किसी प्रकार का काम है तभी निकलें और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन करें। चलिए, गाइडलाइन का पालन करें। और फिलहाल गर्मी से ना तो बिहार में ना तो झारखंड में लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में आप बहुत ख्याल रखें अपना और गर्मी से जो बचाव के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।